विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में खुद को झोंक दिया है। आम चुनाव के लिए योग्य चेहरों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस बीच चर्चा है कि बीजेपी से केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कविता पाटीदार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि पार्टी राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारना चाहती है और ऐसे में जीतने वाली सीटों पर राज्यसभा सीट भी खाली होगी। इससे पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव में नए लोगों को अवसर दिया जा सकेगा। ऐसे में पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना, शिवपुरी या ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि सिंधिया दोनों ही सीट को अपने लिए मुफीद मानते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के केपी यादव से चुनाव हार गए थे। अब सिंधिया भी बीजेपी में आ गए हैं। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में सवाल उठता रहा है कि गुना, शिवपुरी से चुनाव कौन लड़ेगा। पूर्व मंत्री और सिंधिया समर्थक इमरती देवी कई मौकों पर कह चुकी है कि केपी यादव को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ही इस बार गुना, शिवपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।